हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा और विद अ न्यू वीडियो। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग घटना घटी है हमारे साथ। और उसका मैंने जब क्लाइंट से अप्रूवल के लिए एक छोटा सा स्नैपशॉट डाला था, तो उसमें वो स्नैपशॉट जो है वो मतलब स्मॉल लिटिल वीडियो एक आध मिनट की तो अप्रूवल के लिए लिया था, तो वो वीडियो मैं आपको भी इस वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। एंड मतलब बड़ा ही यू नो वो कहते हैं ना कि आप जितने मर्जी एक्सपीरियंस हो जाओ, जो भी आपका ऑटोमोबाइल्स है एंड जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस तरीके से बिहेव करती है, और जो हमारे टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारी एक अपनी विजडम होती है कि हम किस तरीके से टूल को कितना ओवररेट कर देते हैं। और यू नो, और मैं आपको आज एक क्लासिक केस दिखा रहा हूँ कि हम लोगों ने वो प्रॉब्लम कैसे डायग्नोज की एंड फाइनली जाके वो जो हमारा द गुड ओल्ड मल्टीमीटर वही हमारे काम आया। ना ये गाड़ी थी शेवले स्पार्क, कोई फर्क नहीं पड़ता छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो, इलेक्ट्रिसिटी कोई डिफाइन नहीं करती कि वो BMW में चल रही है कि वो नानो में चल रही है, उसने तो वही काम करना है। सो उस गाड़ी में द फनी थिंग वाज कि गाड़ी आई, चलते चलते बंद हो गई। एंड बंद होने के बाद हम लोगों ने, जो मेरा यहाँ पे लड़का है इमरान, उसने स्कैनर लगाया आउट एंड बेवकूफ़ी उसने ये की पहली बार कि उसने ब्रेकआउट बॉक्स नहीं लगाया। सो स्कैनर जब लगाया तो समाओ बैटरी वोल्टेज, वो मतलब गाड़ी जो है अजीब अजीब आवाज़ें करने लग गई एंड एवरीथिंग। तो उसने जो उसमें स्कैनर में आई थिंक बाकी तो कुछ आया नहीं, बिकॉज एवरीथिंग वॉज वॉन्की, बिल्कुल अजीबोगरीब बिहेव कर रही थी। एंड कस्टमर कंप्लेंट ये थी कि वो जो गाड़ी है वो चूहों ने कुतरी हुई थी एंड ही हैड इशू, वो कभी भी बंद हो जाती थी एंड एवरीथिंग। सो इसीलिए वो टो करके आई थी। एंड जब स्कैनर लगाया तो इसने कहा कि सर इसमें तो 6.2 वोल्ट आ रहे हैं। सो हमने इमीडिएटली जो है ब्रेकआउट बॉक्स लगाया एंड बिकॉज यू नो दैट वॉज लाइक क्रेजी, क्योंकि जो स्कैनर है आपको जब भी कम्युनिकेट करेगा मॉड्यूल्स के साथ, ये मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने जहन में यू नो दिमाग में रख लेनी चाहिए कि जो भी स्कैनर है, जो भी मॉड्यूल्स है, अगर उसको 9.5 वोल्ट से कम मिलेगा तो वो मॉड्यूल आपको कुछ भी नहीं बताएगा, या बताएगा तो वो यू नो पागलों वाला एवरीथिंग, यू नो इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं। फिर हमने ब्रेकआउट बॉक्स लगाया, ब्रेकआउट बॉक्स में वी वर गेटिंग एग्जैक्टली 6.1 वोल्ट। बैटरी वोल्टेज चेक करी, बैटरी वोल्टेज वॉज 12.3, 12.4 के मतलब, बट वो जो वोल्टेज है वो नाउ द चैलेंज वॉज कि वो वोल्टेज गई कहाँ। एंड वी वर लाइक कि भाई ये इट वॉज लाइक कि वो पूरा हमको डैशबोर्ड खोलना पड़ा, उसकी मैं क्लिपिंग आपको इस वीडियो में डालूंगा। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि समटाइम्स जो टूल्स हम बिल्कुल ओवररेट कर देते हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन टूल होंगे, हमारा सारा काम करेंगे, और ये जो अमेरिकन टूल है पावर प्रोब, आज इसके साथ भी आपको मैं एक बड़ी मजे की चीज दिखाता हूँ। सो लेट अस कम टू द मल्टीमीटर। पहले ये देखो, ये मैंने आई टेक इट टू होम्स, यार ये तार भी हटा दे, नहीं नहीं ये वाली बेटा। जब भी हमारे को टेस्ट करना होता है तो वी ऑलवेज हम ये बोलते हैं कि मल्टीमीटर को भी जीरो इट आउट। ओके, ये देखिए आपका जो रेजिस्टर है ये मैंने कितने ओम का लगा रखा है, दिस इज, ये आप देखो 3.2 किलो ओम्स, राइट। इसका मतलब 3200 ओम का रेजिस्टर लगा रखा है। 3200 ओम में अब ये 12 वोल्ट ए लगा दे इस पे तार,
3200 ओम के रेजिस्टेंस में और 12 वोल्ट अगर जा रहे हैं तो V इज इक्वल टू I इनटू R के हिसाब से तो हमारे पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, यू नो वी शुड बी सीइंग नथिंग। बट जब आप इससे देखोगे ना ना, अभी इसको कनेक्ट मत कर, चल कर दियो, रुक जा इसको इसको कर दे, ठीक है। ये हमने जी टिप वोल्टेज ली, एज यू कैन सी 11.73। नाउ द फनी थिंग इज, ये देखो 3000 ओम्स का ये रेजिस्टर है, राइट। अब ये जो पावर प्रोब है इसकी वर्किंग देखो किस तरीके से, कि ओके, मतलब 3000 ओम का रेजिस्टर लगने के बाद भी ये मेरा भाई जो है इट इज रीडिंग 11.6 वोल्ट्स, राइट। और मैं अगर इस सर्किट के एंड पे जाता हूं तो भी ये वही वोल्टेज रीड कर रहा है। अब एक मजे का काम करते हैं, इसको लगा, बल्ब तो जलेगा नहीं, जाहिर सी बात है इतना मोटा रेजिस्टर लगा हुआ है। अब इस चीज को देखो ये क्या करता है, यहां पे इसने वोल्टेज रीड करी और यहां पे अब ये ग्राउंड रीड कर रहा है। बेसिकली हटा दे, बेसिकली ये जो टूल है इसका फंडा, जो इसका माइक्रो प्रोसेसर है, उसका कहना ये है कि जहां इसको वोल्टेज नहीं दिखेगी ये अज्यूम करेगा कि वहां पे ग्राउंड है, यू नो। तो रेजिस्टर के बाद 3000 ओम के रेजिस्टर के बाद अब इसको वोल्टेज नहीं दिख रही तो इसने कह दिया ये ग्राउंड है। सो दीज टूल्स ये जो है ये दे कैन बी प्रिटी मिसलीडिंग। और अगर ये लगा लगा, और अगर मैं मल्टीमीटर लेता हूं और मैं वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट करता हूं, ये देखो व्हाट हैपेंस, ये मैंने वोल्टेज लिया जी और मैं यहां पे अगर वोल्टेज ड्रॉप लेता हूं, ये देखो अक्रॉस दिस थिंग ये सारी वोल्टेज ये रेजिस्टर कंज्यूम कर गया और बल्ब नहीं जल रहा है। एंड आई कैन शोर टू यू कि कहीं मैं आप कहो कि बल्ब फ्यूज बल्ब लगा दिया, ये देखो अगर मैं रेजिस्टर हटा देता हूं और मैं इसको अगर प्लग कर देता हूं तो ओके, तो राइट टिल द लाइन यहां से लेके यहां तक, ये देखो जो वोल्टेज ड्रॉप है हम क्या देख रहे हैं, नथिंग, ये देखो। सो हटा दो, तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो हमारे ट्राई टेस्टेड टूल्स है एट टाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 100% ऑफ द टाइम्स, ये जो आपके टूल्स हैं ये हैंसी फैंसी टूल्स से कहीं ज्यादा अच्छे आपको रिजल्ट दे देते हैं। इस गाड़ी में भी हम लोगों ने डायग्नोज जो किया इट टुक अस अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन ये था कि हमारे को द चैलेंज वाज कि वोल्टेज आ रही है 6 वोल्ट आ रही है, वो 6 वोल्ट का गई, तो जो 6 वोल्ट थे जो गायब हुए थे बेसिकली बाद में जब वोल्टेज ड्रॉप्स वगैरह लिए गए तो इट वॉज अ बैड ग्राउंड, कि बैड ग्राउंड्स जो हैं, और गाड़ी में आपको पता है मल्टीपल ग्राउंड्स हैं, राइट। सो द चैलेंज इज कि आप वोल्टेज साइड से वोल्टेज साइड आप चेक कर रहे हो, देयर शुड बी नो वोल्टेज ड्रॉप, ग्राउंड टू ग्राउंड आप चेक कर रहे हो तो यू नो देयर शुड बी नो वोल्टेज ड्रॉप, अक्रॉस पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर आप रीड कर रहे हो जहां पे भी रेजिस्टेंस होगी बीच में वो सारी वोल्टेज वो कंज्यूम कर जाएगा, या जो जैसे इट वॉज अ बैड ग्राउंड तो वो 6 वोल्ट उसने कंज्यूम कर लिए। सो इट वॉज, मतलब जब आप प्रैक्टिकली इन फील्ड्स में जाके वेन यू ये सारी चीज़ें करते हो, तो क्योंकि अगर मैं इस टूल से गया था और अगर जाता तो मैं, मतलब अगर मेरे को ये बैड ग्राउंड भी है तो भी इसने मेरे को मोस्ट अनलाइकली कि इसने मुझे वो बैड ग्राउंड बताना नहीं था। जो मल्टीमीटर है उसने मेरे को बहुत हेल्प की, जो ब्रेकआउट बॉक्स है उसने मेरे को इनिशियली स्ट्रेट अवे बता दिया कि मेरी वोल्टेज जो है आधी है, अगर मैं ये ब्रेकआउट बॉक्स नहीं लगाता वुड हैव बीन अ बिग प्रॉब्लम। सो मेरा कहने का ये है, बिफोर आई एंड दिस वीडियो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि अपनी जो ऑटो इलेक्ट्रिकल नॉलेज है उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली वर्क करो, कॉन्स्टेंटली उन पे देखो, एंड जितने भी मैं आपको दिखाया है अमेरिका की यू नो पावर प्रोब 4
दिस सो कॉल्ड यू नो सुपर टूल एंड बहुत सारे टेक्नीशियन स्क्वायर बाय इट, तो आपके सामने कि 3000 ओम के रेजिस्टेंस के बाद भी यू नो द फनी थिंग इज कि 3000 ओम के बाद भी अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे तो, और जबकि सर्किट मेरा बिल्कुल ओपन है, सो यू नो तब भी वो मेरा भाई एट द एंड ऑफ द सर्किट इट इज स्टिल रीडिंग 11.58 वोल्ट, ये ऐसा क्यों कर रहा है बीट्स मी। बट ये है कि दिस इज हाउ थिंग्स आर, और अगर मैं मल्टीमीटर से कर रहा हूँ तो आप क्लियरली देख सकते हो कि देर इज अ यू नो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है, ग्राउंड टू ग्राउंड में देर इज नो वोल्टेज ड्रॉप, बट यू नो अगर मैं पॉजिटिव टू पॉजिटिव देख रहा हूँ तो जाहिर सी बात है वी आर सीइंग अ वोल्टेज ड्रॉप राइट। और वोल्टेज ड्रॉप को टेस्ट करने का तो यही तरीका होता है कि आप स्लाइसिस ऑफ वायर लो, या 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 अगर मैं जैसे यहाँ पे लेता हूँ और रुको यार कहाँ गया लीड, यू नो इफ आई सी इट हियर बिफोर द रजिस्टर और मैं यहाँ पे लेता हूँ तो मुझे जो है ये देखो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है राइट, आई एम गेटिंग कंप्लीट वोल्टेज। लेकिन जब मैं इधर लेता हूँ, इधर से इधर लेता हूँ, बैड कनेक्शन ऑफ कोर्स मेरे को एक्टिव करना पड़ेगा, सॉरी लगा दे। सो जब मैं इधर से इधर लेता हूँ, और ये हर बार ये है कि जो रेजिस्टेंस टेस्ट है, सॉरी ये मैं मिस कर गया, जो रेजिस्टेंस टेस्ट होता है वो ओपन सर्किट में होता है, चीज़ें डिस्कनेक्टेड होती हैं, लेकिन जो वोल्टेज ड्रॉप के टेस्ट हैं ये देखो, ये देखो अगर मैं यहाँ लेता हूँ बिफोर द रेजिस्टर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, लेकिन आफ्टर द रेजिस्टर मेरी सारी वोल्टेज यहाँ पे कंज्यूम हो गई है। ओके ये देखो आपके सामने है बिफोर द रेजिस्टर आफ्टर द रेजिस्टर, और ये जो हमारे भाई साहब हैं बिफोर द रेजिस्टर आफ्टर द रेजिस्टर ये ग्राउंड दिखा रहे हैं, जबकि जबकि सो बेसिकली इसका इस टूल का फंडा ये है कि, और ये जितने भी ऐसे टूल्स हैं इनका फंडा ये है कि जहाँ इनको वोल्टेज नहीं मिली तो ये अज्यूम कर लेता है इसका माइक्रो प्रोसेसर की एक ग्राउंड है, जबकि यहाँ पे ग्राउंड का कोई मतलब नहीं। सो मेरा बिफोर आई एंड दिस वीडियो, आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको हेल्प करेगा, इसमें मैं वो इंटरसेक्शन डाल दूंगा जो एक मिनट का मैंने अप्रूवल के लिए भेजा था गाड़ी वाले को, एंड यू कैन सी कि इलेक्ट्रिकल जब यू नो डायग्नोस्टिक्स होते हैं तो कितनी मारा मारी और कितनी मेहनत लगती है। सर एज यू कैन सी वी हैड टू पुल आउट द एंटायर डैशबोर्ड, वी हैव टू डू द एंटायर वायरिंग अगेन बिकॉज यू नो द रैट्स हैव रियली ईटन अ होल बंच ऑफ थिंग्स, वी आर ट्राइंग टू फिक्स अप एवरीथिंग। वो देखो आप इफ यू कैन सी द लूम्स एंड एवरीथिंग, आई डोंट नो पहले भी ये मेरे ख्याल से समबडी हैव डन द जॉब बट समबडी हैव डन अ पैथेटिकली बैड जॉब। So here's the dashboard which is lying. So hopefully we should be through with this car, even the electrical part. Hopefully by tonight. Baki I'll keep you posted. Thanks. So till we meet again with a new video, this is Amit Ahuja signing off. Take care. Bye bye.